एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मलाइका अरोरा और अरबाज खान सालों से पावर कपल के तौर पर देखे गए हैं, लेकिन जब से शुरा खान की एंट्री हुई है तब से अरबाज और शुरा की जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। शुरा खान को सीधे तौर पर मलाइका अरोरा से कंपेयर किया जा रहा है। मलाइका अरोरा की इन दिनों काफी तारीफ हो रही है। मलाइका को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अरबाज को मलाइका जितनी अच्छी तो पत्नी नहीं मिली। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब तलाक के बाद मलाइका को लेकर के ट्रोलिंग हो रही थी। आज भले ही मलाइका की कितनी भी तारीफ फैंस कर ले, लेकिन इससे पहले मलाइका को लेकर के ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई। 19 साल पुराना रिश्ता मलाइका अरोरा ने तब तोड़ा था और उस वक्त उनको लेकर के ये कहा गया था, सबसे पॉपुलर कंट्रोवर्सी ये थी कि मलाइका को एलुमनी में काफ़ी मोटी रकम मिली है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई हैं, अच्छे कपड़े अफोर्ड कर रही हैं। इसको लेकर के अब मलाइका अरोरा ने चुप्पी तोड़ी है और साथ ही ये बताया था कि आखिर उन्होंने जो ये रिश्ता अपने अरबाज के साथ जोड़ा था वो कब जोड़ा, किस डिसीजन, किस तरीके का उनका ये फैसला था, कैसा डिसीजन उन्होंने लिया और बाद में जब तलाक का वक्त आया तब उन्होंने क्या कुछ सोचा था। ये तमाम ऐसे सवाल जो लोगों के मन में हमेशा उठते हैं। मलाइका अरोरा से कई बार पूछा गया है, उसको लेकर के मलाइका ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है मलाइका अरोरा ने, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक मलाइका अरोरा और अरबाज खान बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक कहलाए जाते थे। हालांकि 19 साल पुराना ये रिश्ता उनका टूट गया। साल 2017 में दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली, जिसके बाद मलाइका को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस पर कई आरोप भी लगे थे, उसमें से सबसे चर्चित आरोप ये था कि मलाइका को अरबाज से मोटी रकम मिली है एलिमनी के तौर पर। इस तमाम बात को लेकर के मलाइका ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी है। मलाइका ने अरबाज को लेकर, एलिमनी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर के क्या कुछ कहा है, इसके बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र आता है। हाल में ही मलाइका अरोरा ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मलाइका ने शादी और तलाक पर कई बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जल्दी शादी करने का फैसला क्यों लिया, तो एक्ट्रेस ने कहा कि मैं उस परिवार में नहीं पली बढ़ी जहां शादी के लिए कोई उम्र तय की जाती है। मेरे परिवार की तरफ से मुझे जिंदगी खुलकर जीने, इंजॉय करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने, रिश्ते बनाने के लिए कहा गया था। आगे मलाइका कहती हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने 22-23 साल की उम्र में शादी करने का फैसला ले लिया, वो भी किसी के दबाव के बिना। ये मेरा फैसला था और क्योंकि उस वक्त ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। शादी के कुछ सालों बाद मलाइका ने तलाक ले लिया था। तलाक को लेकर मलाइका कहती हैं कि जब मैंने तलाक लेने का फैसला लिया तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में उस वक्त ज्यादातर महिलाएं तलाक ले रही थी और आगे बढ़ रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, मुझे अंदर से खुश रहने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इस सिचुएशन में मैं अपने बेटे को भी खुश रख पाऊंगी और मैंने यही किया। इसके अलावा मलाइका ने अपनी एलिमनी को लेकर के भी हैरानी जाहिर की। मलाइका कहती हैं कि जब मैं किसी आउटफिट को पहनती थी और मेरे आउटफिट की कीमत को लेकर आर्टिकल लिखे जाते थे तब भी मुझे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था क्योंकि उन आर्टिकल्स पर बेकार कमेंट आते थे। उन्होंने बताया कि किसी ने उनके बारे में ये लिखा था कि मलाइका महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उन्हें अरबाज से एलिमनी में मोटी रकम मिली है, जिसको देखने के बाद एक्ट्रेस खुद काफी हैरान हो गई थी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि मलाइका अरोरा ने क्या कुछ कहा है। साल 2017 में जब उन्होंने तलाक लिया तो मलाइका का कहना था कि उस वक्त ज्यादातर बॉलीवुड में तलाक लिए नहीं जाते थे और अगर लिए भी जाते हो तो ज्यादा सुर्खियां नहीं थी जितनी मलाइका और अरबाज को लेकर के थी। मलाइका और अरबाज क्या जब रिश्ता टूटा, क्योंकि 19 साल पुरानी शादी थी तो काफी बवाल मचा था और इसका जिक्र कई बार किया गया। साथ ही मलाइका अरोरा ने एलुमनी को लेकर के भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके कपड़ों को लेकर के किस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जाता था और लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि मलाइका खुद से भी कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। वाले इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।